बच्चों अब करेंगे 25th क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए पाइप इज 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द वाटर इज फ्लोइंग आउट ऑफ द पाइप एट ए रेट ऑफ 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हाउ मच वाटर इज डिलीवर्ड बाय द पाइप इन 1 मिनट। देखो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है बच्चों, मुझे इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है, ठीक है, और बोला हुआ है पाइप का रेट दे रखा है मुझे, मतलब स्पीड दे रखी 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से देखिए, ये मैंने एक पाइप बना लिया है यहाँ पर, ठीक है, इससे जो पानी की स्पीड जो बह रही है ना वो कितना है 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस है मेरा 40 सेंटीमीटर और टाइम है मेरा सेकेंड है तो 1 सेकेंड ही होगा, 1 सेकेंड पर सेकेंड बोला ना, तो ये 1 सेकेंड हो गया। अब ध्यान से देखो, 40 सेंटीमीटर बह रहा है तो ऑब्वियस सी बात है जो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ना वो कितनी है, 40 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगी मेरी लेंथ, और 1 सेकेंड में बह रहा है 40 सेंटीमीटर, इसको तो अभी कोई दिक्कत नहीं, पर मुझे डिस्टेंस पता चल गया कि इस पाइप की जो डिस्टेंस है ना वो 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जो एरिया है, अब आपको पता है, अब एरिया क्या होता है, देखो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ तो मेरा 3.5 है, और ये वाली लेंथ, अब ध्यान से देखो, ये लेंथ ना होके ना अगर इस पाइप को मैं ऐसे उठा दूं तो देखो ये लेंथ ना होके ये हाइट नहीं हो जाएगी, ध्यान से देखो, ये पाइप अगर ऐसे लेटा हुआ है और अगर मैं इसको ऐसे उठा दूं तो ऑब्वियसली बात है लेंथ नहीं है, बेसिकली इसकी हाइट ही तो है। तो देखो एरिया भी मुझे पता है और इसकी हाइट भी पता है, इसकी वॉल्यूम निकाल लेता हूँ पहले मैं, है ना। तो देखो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू, और ये भी लेंथ ही है, लेंथ है पर ये लेंथ ना हाइट, मतलब ये लेंथ ना बेसिकली मैंने हाइट लेनी है, क्योंकि देखो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होती है ना हमारा वॉल्यूम। तो देखो लेंथ इंटू ब्रेथ तो मेरे पे पहले से गिवन था कितना 3.5, और हाइट जो है मेरी इस टाइम पे लेंथ हो जाएगी ये वाली 40, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 140 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो मेरा वॉल्यूम हो गया ना, इससे कितना पानी बह रहा है अभी, अभी कितना वॉल्यूम है इसका वो मैंने निकाल दिया है। अब कितना पानी बह रहा है क्या होगा वो अभी मैं नेक्स्ट पेज पे करते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने इसका अभी क्या निकाल लिया, इसका वॉल्यूम निकाल लिया कि इस पाइप से कितना वॉल्यूम है, इस पाइप का ना, तो इस पाइप का मैंने वॉल्यूम निकाल लिया। अब इस पाइप से कितना पानी बह रहा है वो भी मुझे निकालना है, ठीक है। तो देखो पर सेकंड के हिसाब से अगर मैं करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको, अब देखो ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ पाइप तो मेरा निकल गया है ना, वॉल्यूम ऑफ पाइप है मेरा 140 सेंटीमीटर। अब पर सेकंड के हिसाब से अगर 1 मिनट में कितना बह रहा है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग, वाटर फ्लोइंग कितना है 1 मिनट में कितना बहता है, तो देखो 1 मिनट में कितना आएगा 140 इंटू वॉल्यूम के साथ में 60 मिनट्स को 60 सेकेंड्स को मल्टीप्लाई कर लूंगा ना, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बच्चों 140 इंटू 60, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मुझे जो वॉल्यूम है मेरा, जो मेरा वॉल्यूम है वो मुझे लीटर्स में चाहिए, तो लीटर्स को करने के लिए मुझे लीटर्स में चाहिए ना पानी, तो लीटर्स को करने के लिए मैं 1000 से डिवाइड कर देता हूँ। तो देखो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा बच्चों कितना 84/10, और पॉइंट लगाया तो हो जाएगा कितना 88.4 लीटर्स आ जाएगा मेरा, है ना। तो जो मेरा 8.4 लीटर्स 1 मिनट में कितना बह रहा है, 8.4 लीटर्स बह रहा है। तो बच्चों ये क्वेश्चन ना बहुत इजी होते हैं, बस आपको थोड़ा सा अप्रोच करना है और थोड़ा सा एक बार आप सीख लोगे तो ये बहुत ही ईजी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है 8.4 लीटर्स। अब हम करेंगे 26th।